नो मीटिंग एंड नो कॉल, करो तुम भी अब इंतजार। मांग ले माफी। माफी की कह रहे हैं? वो जी कर रहा था उन सब लोगों का गला घोट दूं मैं। आपके कहने की वजह से वकील साहब मैंने माफी मांगी है, वरना रब दी सो आज तक शेरा सिंह किसी के सामने झुका नहीं है। शेरा पुत्र, भाई शेरा इधर आ। लंबी छलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे आना पड़ता, और इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तू वापस आ रहा है। पर अब क्या करना है वो तो बताओ। आगे भी तुझे अच्छा बेटा बनकर ही रहना है। कमाल कर रहे हो वकील साहब, वो ये ड्रामा कब तक चलेगा? और किसी दिन गड़बड़ हो गई तो मुझसे? तो तू एक काम कर, भूल जा अपने सपने को। हाँ वकील साहब, उन लोगों को बर्बाद करने का, उन्हें दर दर का भिखारी बनाने का सपना मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो बेटा जैसा तुझे कह रहा हूँ वैसा कर। पहले ये बता तूने अपने बाप से माफी मांगी कि नहीं? अरे कागज पर उसी के साइन होने हैं। वो तो नहीं किया। अरे तो माफी मांग, जूतियां चाट ले, ये अपने आंसुओं में अपने बाप को बहा दे। कुछ भी कर लेकिन अपने बाप को अपने फेवर में लेकर आ, तभी तू अपने प्लान में कामयाब हो सकता है। कमाल कर रहे हो वकील साहब, वो आदमी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आप माफी की बात कर रहे हैं? अरे बेटा जाकर उसे अपनी शक्ल दिखा बार बार, उसे एहसास दिला कि तू सुधर गया है। उसे बता कि तेरा बाप तेरे लिए भगवान है। कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब, मगर अगर मगर छोड़, कोशिश करता रहे। वो कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा तो कोशिश करता रहे। वकील साहब एक बात दसो, मैं क्या करूं जिससे वो फेवर में हो जाए मेरे? अजरे देख बेटा, जैसा मैं कहता हूं तू वैसा करता जा। और समझ में आई बात? समझ गया वकील साहब। लगा भाई शेरा पुत्र तू। अब देखना। जोगिंदर अब आएगा खेल में असली मजा, अब तेरा ही पुत्र तुझे मौत देगा, बस तू देखता जा।